मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली 21 साल की शबनम शेख हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची है। एक तरफ जहां उनके हौसले और धार्मिक आस्था ने लोगों को हैरान कर दिया, वहीं शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने यहां खुद पर हमले की आशंका व्यक्त की है। साथ ही भोपाल पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। सनातन मुस्लिम के नाम से चर्चा में आई शबनम शेख ने अपनी ओर से जारी एक वीडियो में कहा कि मैं मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा कर रही हूं। इस तरह चलते हुए मुझे 17 दिन बीत चुके हैं। मैं भोपाल से लाल घाटी पहुंच चुकी हूं। यहां की पुलिस इतनी बेकार है, इतनी रात हो गई है लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही। शबनम ने आगे एक चौंकाने वाली बात ये भी कही कि मालेगांव जैसा सीन हो सकता है। हाँ, मैं राम ध्वज लेके निकली हूँ क्योंकि मैं राम जी को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ और उनमें बहुत ज्यादा आस्था है मेरी, इसीलिए मैं निकली हूँ। मुस्लिम परिवार से ये आस्था कैसे जागी? मेरे अंदर बचपन से ये गुण है, बचपन से मैं राम जी को मानती हूँ और बोलते हैं ना, मेरे घर में भी लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, परिवार में भी। प्रेरणा आपको चीज से मिली क्या है? मैंने जैसे बोला, मैं बचपन से रामायण देख रही हूँ, महाभारत देख रही हूँ, रामलीला वगैरह मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मैं सिक्युलर माहौल में पैदा हुई हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ये गुण है बचपन से। आपके पेरेंट्स ने जब आपने बताया तो उन्होंने जाने से मना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी राम जी के बारे में उतना ही जानते जितना मैं प्रेम करती हूँ राम जी से, उतना वो भी प्रेम करते राम जी से। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 3 लोग हैं, मुझे मिला के 3 लोग हैं। जी, कहाँ से आप? मैं मुंबई से हूँ। पैदल जाएंगे? हाँ, पैदल जा रही हूँ अभी फिलहाल, तो आज तबीयत खराब है तो थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अभी मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं आप, यहाँ की सरकार से किसी का सुविधा मिल रही है और सिक्योरिटी के लिहाज से कैसी मिल रही है? बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, इसमें सरकार की गलती नहीं होती है, पुलिस लोगों की गलती होती है। वो जो नीचे होते हैं ना, नीचे तो वो लोग थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है, वहाँ से प्रॉब्लम हुई। एक दिन में कितने किलोमीटर चले? 30 से 35 किलोमीटर चल लेते हैं। और रात पे? रात को स्टे, रात को आराम करते हैं। गांव वाले या नहीं, पुलिस वाले करा के देते, क्योंकि लोकल जगह ना हमें पता नहीं होता है कि कहाँ रहना है, कहाँ सेफ्टी है, कहाँ नहीं है, तो उस वजह से। एक दिन में 18 किलोमीटर? 18 नहीं, 30 से 35 किलोमीटर। कितने दिन होगा? अभी हमारा 18 दिन है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित क्रम से कार्यवाही की है और शबनम को श्यामला हिल्स पहुंचाया है और वहां एक आश्रम में ठहराया है। यहां शबनम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, इनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।